everyone, it's a new day, new vlog, and I'm in Vizag. So this video is going to be what are the must try restaurants when you are in Vizag. It's morning time, let's go and have some breakfast, but make sure you guys stay tuned till the end of the video. For my breakfast, I dropped into this place which is a famous food joint in Vizag known as Vasena Poli. These are sort of making unique organic idlis wrapped in leaves. बहुत कोई है जिनको इडली पसंद नहीं है या इडली खाते खाते बोर हो गए हो, लेकिन ये वाला इडली is a must try guys. This is a single poli. If you want, they will give you like two polis or three polis. तो ये कुछ इडली टाइप है और मेरे लिए ये इडली बोलो आप पोली बोलो, मेरे लिए ये तो पूरा फर्स्ट टाइम है, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ और ये ट्राई करने के लिए. काफ़ी अच्छा है, फ्लेवर जो है, टेस्ट जो है, ये फर्स्ट टाइम मैं ऐसे ट्राई कर रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है. ये चटनी थोड़ा मीठा टाइप है, ये तो कोकोनट चटनी, लेकिन दोनों का कंसिस्टेंसी और टेस्ट बराबर. दिस इज वही पक्का विद दिस फूड. नेक्स्ट जो मैं ट्राई कर रही हूँ ये है बटर पेपर डोसा. डोसा का टेक्सचर बहुत ही अच्छा है, इट्स लाइक वेरी बटरी एंड क्रिस्पी फ्रॉम टॉप. स्वीट टाइप डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स चटनी दिया गया है यहाँ पे. ये पोली के साथ मैंने ट्राई किया था कोकोनट चटनी, ये शायद अलग से होगा. जब मैं देखती हूँ दिखाती हूँ आप लोगों को, अंदर पूरा भर भर के बटर सॉरी पेपर, ब्लैक पेपर. काफ़ी क्रिस्पी है, काफ़ी सॉफ्ट है, गर्म भी है, एक अच्छे से स्मेल आ रहा है मुझे. The dosa was very very crispy, very yummy and very tasty. इतना भर भर के बटर था उसमें और ऊपर से ब्लैक पेपर्स. ये है ये ब्लैक पेपर बटर डोसा एंड आई रियली लव द कॉन्सेप्ट, सो टेस्टी एंड सो यमी. इवन द डोसा बैटर इज सो हेल्दी एंड सो टेस्टी, इट्स रियली गिव्स अ यूनिक टेस्ट. एंड आई टेल यू गाइज, इफ यू आर इन वाइजैग एंड इफ यू हैव टाइम, डू गिव दिस प्लेस अ विजिट एंड यू विल थैंक मी लेटर. और दिन का शुरुआत अगर इतना अच्छा खाने से हो और इतना टेस्टी एंड हेल्दी, तब तो क्या ही बात. सो ऑब्वियसली आफ्टर ब्रेकफास्ट द टाइम इज फॉर लंच. तो लंच के लिए पर्टिकुलरली ऐसा तो कुछ जगह मैंने सिलेक्ट नहीं किया. तो दिस इज़ राइट नाउ आई एम इन नुशीगंदा बीच. तो यहाँ पे एक है राजू गारी, उनका रेस्टोरेंट बहुत ही फेमस है, लेकिन मैंने देखा कि बाहर इट्स टू मच क्राउडेड और मुझे बहुत ज़ोर से भूख भी लगी है. तो मैंने सोचा कि नुशीगंदा बीच में आकर यहाँ पे यू नो डिफरेंट स्टॉल्स ऑफ फूड्स आते हैं, लाइक बिरयानी, मोमोज, फिर रोल्स, बहुत कुछ लाइक फ्राइड राइस एंड ऑल. एज पर द क्राउड आई सॉ एंड लॉट्स ऑफ यू नो गुड रिव्यूज अबाउट द राजू गारी वाला रेस्टोरेंट, आप उस होटल पे भी आके खाना वाना ट्राई कर सकते हो. एंड ट्रूली स्पीकिंग इट्स वेरी हॉट और बाहर मैंने देखा बहुत ही क्राउड है. आई डोंट वांट टू वेट एक्चुअली, सो आई जस्ट केम हियर, हैव सम मोमोज, चिल, एंजॉय द सी ब्रीज गाइस. लॉट्स ऑफ फ्रेश मिंट विथ लेमन और फिर आइस क्यूब्स, आई थिंक यस दिस इज क्वाइट रिफ्रेशिंग. समर टाइम पे जाते हैं एंड ऑल्सो द सी बीच. आई एम वेरी वेरी सुपर हंग्री गाइज. तो मैंने ले लिया है यहाँ से मोमो. तो जैसे मैंने कहा आपको दोपहर को बिरयानी खाना है, फ्राइड राइस खाना है, आपकी मर्जी, मुझे तो बस मोमो चाहिए. और अभी मैं ऋषिगंगा बीच में हूँ तो ये मोमो बहुत ही हॉट है. इट्स हॉट स्टीम्ड चिकन मोमो, गरम गरम मोमोज विथ सम रेड चटनी. लेट्स ट्राई इट आउट. हियर आई गो. कोटिंग काफ़ी पतला है, स्टफिंग ठीक ठाक, और इधर चटनी. वैसे बहुत सारे फूड स्टॉल्स हैं एक्स योर साइज, बट ये वाला बहुत गर्मी है. नाउ आई एम इनसाइड दिस अल्फा रेस्टोरेंट विच इज़ इन जगदम्बा जंक्शन एरिया.
ये रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा भी है और क्राउड भी है, तो पता चल रहा है कि बहुत ही फेमस है और लोकल्स भी पसंद करते हैं। चिकन तंदूरी हाफ प्लेट, काफ़ी बड़ा बड़ा दो चिकन तंदूरी का पीस है। लेट्स हैव सम तंदूर। चिकन तंदूरी सच में बहुत ही ज़बरदस्त हुआ था, इतना टेंडर, इतना स्पाइसी, और जब ये एक बाइट लोगे अब तो द स्पाइसनेस, द मैरिनेशन, एवरीथिंग, यू कैन फील द टेस्ट ऑफ ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट्स। चिकन को ज़्यादा देर तंदूर करने से बहुत बार ड्राई हो जाता है। ये था तो बहुत बड़ा वाला पीस, लेकिन द चिकन वॉज वेरी जूसी, टेंडर एंड वेरी टेस्टी। एक खटास का अच्छा सा स्वाद आ रहा था, और जब आप इसको सलाद से खाओगे ना, देन वाओ, इट्स वेरी टेस्टी। सो गाइज, इफ़ यू आर हियर इन दिस अल्फा रेस्टोरेंट, एज अ स्टार्टर यू कैन ऑलवेज ऑर्डर दिस चिकन तंदूरी। Next one for my main course is prawn biryani with a gravy and raita. The quantity of prawn biryani given was like too much. Dono bahut hi acche se kha sakte hain. The sizes of the prawns were really good. Aise total 8 to 9 pieces tha biryani mein, aur jo rice hai biryani ka wo bhi long grain rice with lots of masalas and spices. It's time to taste it, guys. ये भी है स्पाइसी, बट आई थिंक इट्स फाइन इनफ। चावल की मतलब द क्वालिटी ऑफ द राइस इज ऑल्सो गुड, लॉन्ग ग्रेन राइस अच्छे से बनाया गया है, एंड दम वाला बिरयानी, सो आई एम रियली लविंग इट। आई एम नॉट हैविंग इट विद द रायता, नाइदर विद द ग्रेवी। मुझे ऐसे ही बहुत ही पसंद आ रहा है विद माई कोल्ड ड्रिंक्स, तो कोल्ड ड्रिंक्स के साथ ये बहुत ही अच्छे से जा रहा है। तो आई थिंक इट्स अ गुड रिकमेंडेशन फॉर एनीबडी टू कम एंड ट्राई आउट बिरयानी। तंदूरी भी टेस्ट किया, दैट इज़ ऑल्सो रियली अ गुड वन। So yes, I will finish it off, and yes, it's a nice dinner. Happy, my tummy is happy. 11:10 तो मैंने लिया इन लोगों का बहुत ही फेमस लोटस बिस्कॉफ। इसका जो फ्लेवर है ना, जब आप खाओगे, वो जो बिस्किट होता है ना, जैसे बिस्कॉफ बिस्किट लोटस का या पार्ले जी टाइप, उसका फ्लेवर एकदम सही बराबर आ रहा है। दिस इज़ बेसिकली सो सो क्रीमी, एक अच्छा सा टेक्सचर है इस आइसक्रीम का, और बीच बीच में जो बिस्किट मतलब जो बिस्कॉफ का है ना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सो दिस इज़ ओवरऑल अ वेरी नाइस वन। आई थिंक दिस इज़ लाइक सिग्नेचर लोटस बिस्कॉफ। मैंने इसके बारे में सुना भी है, और जब मैंने पूछा कि आप लोगों का फेमस क्या है, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप लोग लोटस बिस्कॉफ एक बार खा के देख सकते हो। तो आई थिंक दिस इज़ मच रिकमेंडेड, आप भी आके ट्राई कर सकते हो। दूर से यहाँ पे आए हो खाने के लिए, आई थिंक इट्स टोटली वर्थ इट। And if you are someone like me who love ice creams, then do come here and try it out, guys. So I had a very lovely time in Vizag trying out different foods. I will catch you guys very soon. Till then, like, share, subscribe, and lots of love.